विधायक मोहली से महिला ने की शिकायत। दरोगा पर 6000 रुपए घूस लेने का आरोप। यूपी के सीतापुर में एक दरोगा पर घूस लेने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी से शिकायत की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक मोहली नाराज हो गए और खुद महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर मोहली कोतवाली गए और वहां पर कोतवाल धर्म प्रकाश शुक्ला को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पीड़ित महिला की तहरीर पर ही विधायक शशांक त्रिवेदी ने SP सीतापुर को भ्रष्टाचार में लिप्त दरोगा अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने के लिए लिखा है। वहीं विधायक मोहली ने मोहली कोतवाल धर्म प्रकाश शुक्ला से पीड़ित महिला के 6000 रुपए वापस दिलाने के निर्देश दिए हैं। ये अभी तहसील की तरफ गया था मैं, तो एक महिला मिली, तो उन्होंने, पीड़ित महिला थी, उन्होंने मुझे बताया और बहुत रो रही थी। और हमारी योगी सरकार में कोई महिला अगर रोए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोई उनकी जमीन का विवाद है और बिटिया कभी पहले भागी थी, तो उसी के विवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी में कोई कंप्लेंट करने गई थाने में दरोगा के पास, तो उसने 6000 रुपए की, जैसा महिला का कहना है, 6000 रुपए उनसे मांगे, तो इन्होंने जब पैसे दिए तब उनके पे कुछ कार्रवाई हुई, उसके पहले उसने कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कप्तान से अभी बोला है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अगर ऐसा कुछ है प्रकरण की जांच कराई जाए और सख्त कार्रवाई करा के इनका पैसा तुरंत लौटाया जाए और महिला पीड़ित ना हो भविष्य में, ये ध्यान रखा जाए। और यही विषय मैंने अभी, इसीलिए मैं कोतवाली आया, तो यहाँ पे कोतवाल हैं शुक्ला जी, उनसे मेरी बात हो गई। उन्होंने बोला कि मैं इस प्रकरण को अपने निष्पक्ष अपने स्तर से दिखवा के जांच करा के और सच्चाई आपके सामने लाता हूँ।